तेरे कच्चू नहीं। ये देख, इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है अपन ऊपर खर्च करने के लाने, हमारे पास तो कच्चू नहीं। हम अपन चेहरे के लिए क्या करी? अरे तू इतना मुंह सूजो के क्यों बैठी है? तेरे पास ई तो है ना, ई तो हम हमारे ऊ मुंह के छाले के लिए लाई थी। अरे पगली, इस चीज से तेरे छाले नहीं बल्कि तेरे होंठ ऐश्वर्या जैसे, तेरा चेहरा करीना जैसा और तेरा शरीर शिल्पा जैसा हो जाएगा। ऊ कैसे रे? राबिया स्किन केयर का वीडियो नहीं देखी का? इतनी सी बॉटल वाक के इतने सारे फायदे बताइए हमारे राबिया ने। ला हमको भी तो बता दे। रुक, पहले हमारे राबिया के लिए ढेर सारे लाइक तो बटोर लेने दे। सही कहा, हम भी तुम्हारे साथ लाइक मांगेंगे। चाहिए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? लाइक डाल, लाइक डाल, लाइक डाल, लाइक डाल, लाइक डाल, लाइक डाल। शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग यूजेस ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के वो यूजेस जो ना तो कभी आपने देखे होंगे ना ही कभी आपने सोचा होगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। लाइक करें मेरे वीडियो को और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। नंबर वन, आप ग्लिसरीन को यूज कर सकते हो एज अ क्लींसर। केमिकल बेस्ड फेस वॉश या क्लींसर यूज करने से अच्छा है कि आप नेचुरल क्लींसर यूज करो जो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को भी नहीं निकालते और आपकी स्किन पे हार्श भी नहीं होते। इसके लिए बस आपको चाहिए 1 टीस्पून ग्लिसरीन और इसमें ऐड करें 2 टीस्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें इसके जगह पे ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स करके एक कॉटन बॉल लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करें। इसको आपको रात में अप्लाई करना है और ऐसे ही सो जाना है। मॉर्निंग में उठ के आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है आपकी स्किन को क्लीन करने का। इससे आपकी स्किन क्लीन भी होती है, आपकी स्किन की डर्ट और इम्प्यूरिटीज भी रिमूव होती है, प्लस इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड और ग्लोइंग भी लगती है। मार्केट में बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल है और हर टोनर में आप देखोगे कि ग्लिसरीन होगा ही होगा, क्योंकि ग्लिसरीन के टोनर आपकी स्किन के सिर्फ पीएच लेवल को बैलेंस नहीं करते, आपकी स्किन को टोन करते हैं, आपकी स्किन पे हाइड्रेशन और ग्लोइंग इफेक्ट भी देते हैं। तो मार्केट से खरीदने की क्या जरूरत है जब आप इसको घर पे बना सकते हो। बस इसके लिए आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी आपको किसी पॉट में बॉइल करने के लिए रखना है ढक्कन ढाक कर। जैसे पानी बॉइल होते जाएगा उसकी जो भाप है, जो वेपर है, वो लिड पे कलेक्ट होते जाएगा। जैसे वो कलेक्ट होते जाएगा, कंडेंस होते जाएगा और वो खुद पानी के फॉर्म में बनते जाएगा। उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, उसको आपको किसी अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है। ये उतना ही प्योर है जितना आपका रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है उतना ही प्योर है। इसको आप प्यूरिफाइड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हो और इसको आप किसी भी DIY में यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपकी स्किन में शाइन आती है, ग्लो आता है, प्लस इसके जो भी DIYs आप बनाओगे उसको आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर पाओगे। तो इससे हम बनाएंगे टोनर। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर और इक्वल क्वांटिटी में इसमें ऐड करें थोड़ा सा रोज वाटर। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ग्लिसरीन जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, किसी स्प्रे बॉटल में इसको कलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल नेचुरल, केमिकल फ्री और बहुत ही इफेक्टिव वाला टोनर है। फेस वॉश करने के बाद में इसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कीजिए। ये आपकी स्किन को टोन भी करता है, अगर आपके पोर्स एनलार्ज्ड है उसको ये श्रिंक करता है, टाइटन करता है, आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन में ड्राइनेस को दूर करता है, आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। ये था हमारा ग्लिसरीन का सेकेंड यूज। तीसरा तरीका जिससे आप ग्लिसरीन को यूज कर सकते हो वो है बॉडी लोशन। ग्लिसरीन को आप यूज कर सकते हो आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए और इसके लिए आपको लेना है अगेन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल प्लेन वाटर ले सकते हो और आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ग्लिसरीन और इसमें ऐड करना है थोड़ा सा आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल नहीं है तो आप इसमें 4 से 5 विटामिन ई की कैप्सूल्स ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको किसी स्प्रे बॉटल में कलेक्ट कर लीजिए। यूज करने से पहले हमेशा इसको जितना अच्छे से हो सके उसको शेक जरूर करें और जहां पे भी आपकी स्किन, चाहे आपके हाथ, आपके पैर, कहां पे भी आपको ड्राइनेस फील होती है उसको अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और इस तरीके से इसको रब कर लीजिए। इससे आपकी स्किन की सारी ड्राइनेस दूर होती है। अगर आपकी स्किन में इचीनेस है या क्रैक हो गई है, आपकी स्किन कितनी भी डिहाइड्रेटेड हो गई है, ड्राई हो गई है, या आपकी स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन में शाइन ऐड करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल यूथफुल और ब्राइट रखता है। अब बढ़ते ग्लिसरीन के चौथे यूज पे।
ग्लिसरीन क्या कुछ नहीं कर सकता आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में लाइंस और रिंकल्स पड़ गई है या आपकी स्किन लूज हो गई है, आप अपनी स्किन को टाइटन करना चाहते हो, तो ग्लिसरीन सबसे अच्छा तरीका है। जैसा मैंने भी आपको बताया, ये टोनर और मॉइस्चराइजर की तरह आप इसको अपने फेस पे यूज कर सकते हो अगर आपको स्किन की टाइटनिंग करनी है तो। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली एक स्किन टाइटनिंग फेस मास्क, इसके लिए आपको चाहिए हाफ एग व्हाइट। थोड़ा सा आपको एग व्हाइट लेना है, इसको अच्छे से बीट करना है ताकि इसका एक ऐसा फ्रॉथी मिक्सचर तैयार हो जाए। फिर आपको इसमें ऐड करना है एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर की। फिर आपको इसमें ऐड करना है दो आइस क्यूब, ठीक है। फिर आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच ग्लिसरीन। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और जैसे ही आइस क्यूब आधे से ज्यादा मेल्ट हो जाए, ब्रश लेके इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना शुरू कीजिए। ये जो फेस मास्क मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई भी एज की लड़कियां या वुमेन इसको यूज कर सकती है। इससे आपकी स्किन की लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे आपकी स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम दूर होती है, प्लस इससे आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आता है। एंटी एजिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है और इससे आपकी स्किन हमेशा यूथफुल लगती है। इसको आपको अप्लाई करके रखना है 20-25 मिनट्स के लिए और उसके बाद में आप इसको वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर यूज करें। नेक्स्ट आप बना सकते हो ग्लिसरीन का सिरम। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा रोज वाटर, इसमें ऐड करें थोड़ा सा ग्लिसरीन, इसमें 2 विटामिन सी की टैबलेट्स को क्रश करके ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ा सा आमंड ऑयल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, एक बॉटल में इसको कलेक्ट कर लीजिए और फेस वॉश करने के बाद, अगर आप टोनर यूज करते हो तो टोनर यूज करने के बाद इसको लेकर अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करें। ये सीरम की खास बात यह है कि ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और ग्लो लेकर आता है आपके फेस पे, ठीक है। इसको आपको अप्लाई कर लेना है अच्छे से और उसके बाद में अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप ग्लिसरीन को यूज कर सकते हो अपने कॉम्प्लेक्शन को इवन टोन और फ्लॉलेस बनाने के लिए। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर, फिर इसमें ऐड करें थोड़ा सा ग्लिसरीन, थोड़ा सा रोज वाटर, गोट मिल्क नहीं है तो नॉर्मल जो काउ का मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है कच्चा दूध, वो ऐड कर सकते हो, और ऐड करें थोड़ा सा लेमन जूस। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करें और फेस वॉश करने के बाद इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर होती है, इससे अगर आपकी स्किन में डार्क पैचेस हो गए कहीं पे तो वो रिड्यूस होता है, स्किन टोन आपकी इवन होती है, डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है तो वो रिड्यूस होते हैं, इससे आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन अप होता है और आपकी स्किन जो है वो 1-2 शेड्स लाइटन भी हो सकती है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद में आपको 20-25 मिनट्स के लिए वेट करना और उसके बाद में आप इसको वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर यूज करें। ग्लिसरीन सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट ही नहीं करता, आपकी स्किन से डेड सेल्स को भी रिमूव करता है, इसलिए आप इसको एक्सफोलिएटर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको यूज करना है थोड़ा सा शुगर के ग्रैनुल्स ताकि आपकी स्किन को वो फिजिकल एक्सफोलिएशन का बेनिफिट मिल सके, और इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ग्लिसरीन, और ऐड करें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के लिए इसमें ऐड करें बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फेस वॉश करने के बाद में इसे लेकर अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब कीजिए। कम से कम 5-10 मिनट्स के लिए इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब कीजिए हल्के हाथों से, ठीक है, क्योंकि शुगर के ग्रैनुल्स है, ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करना चाहिए। इससे आपकी स्किन के सारे डेड सेल्स रिमूव होते हैं, प्लस ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता बाकी सारे एक्सफोलिएटर या स्क्रब की तरह। इससे आपकी स्किन जो है वो स्मूथ लगती है, फ्लॉलेस दिखती है, इससे आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट होती है, स्किन की सारी डलनेस दूर होती है, प्लस अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है। इसको यूज करने के बाद में आपको फेस को वॉश कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा स्क्रब है। इसको आप हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जरूर यूज करें, कोई भी मौसम हो, या आपकी स्किन की डलनेस को दूर करके आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखेगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए। मैं आपको मिलूंगी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ में मेरे अगले वीडियो में, तब तक लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अभी के लिए बाय।